Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. Hi dosto, welcome back to AAA Ace Accounts with me Anikant. हम पढ़ रहे हैं Admission of a Partner और आज के पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. हम पूरा प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि बैलेंस शीट का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद. इस क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स का एक अच्छा एडजस्टमेंट है और लोन का कन्वर्जन है. एक काइंड ऑफ लोन प्रोवाइडर को अब हम एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, बट एक नया एडजस्टमेंट है, आप फर्स्ट टाइम देखेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोलता है, पी एंड क्यू व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5. बैलेंस शीट दे रखी है उनकी 31 मार्च 2019 को. बैलेंस शीट जब हम देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में हम पाएंगे कि वहाँ पे जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी दे रखा है लाइबिलिटी साइड में दे रखा है, और एक बैलेंस दे रखा है एसएस लोन. ये इसका लोन क्यों रेलेवेंट है वो इसलिए देखिए, पहली बात तो पर्सनल लोन है और नीचे हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं एस को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं. और सेकेंड पॉइंट बोलता है कि इनके लोन को कन्वर्ट कर देंगे हम कैपिटल में. एस ने इस फर्म को लोन प्रोवाइड कर रखा था. एस ने फिर बाद में एक प्रपोजल दिया कि मैं पार्टनर बन जाता हूँ, तो हमने इनके लोन के बैलेंस को ही अब कन्वर्ट कर दिया कैपिटल बैलेंस में. तो एस इज लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल. तो जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, एस इज लोन अकाउंट डियर टू एस इज कैपिटल अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, है ना. जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी इसकी, लोन अकाउंट है, इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसे क्लोज कर देंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल बैलेंस पे. तो जर्नल एंट्री डल जाएगी, एस इज लोन अकाउंट डी आर टू एस इज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 80,000 rupees का. दैट इज इट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आगे देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000 एंड एस ब्रॉडेस्ट शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश. तो फर्म की गुडविल 90,000 की है और एस अपना गुडविल प्रीमियम कैश में ला रहा है. तो फर्म की गुडविल क्या रही हुई है 90 की, एस अपना कैपिटल का एस अपना प्रीमियम का पोर्शन कैश में ला रहा है. तो एस का शेयर निकाल दिया जाएगा 1/4, वो क्वेश्चन में कहा हुआ है. बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर कोई भी इशू नहीं है. डेटर का बैलेंस दिया हुआ है, बस इसे ध्यान में रखना है. डेटर्स पे एक एडजस्टमेंट आएगा. कोई भी अक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है, ना ही कोई पुरानी गुडविल भी है. आगे देखते हैं, बोला हुआ है तो गुडविल प्रीमियम निकल जाएगी इसकी. आगे द फोर्थ पॉइंट विच इज अ गुड वन, इट हैज ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन अ प्रीवियस क्वेश्चन. अ बिल रिसीवेबल फॉर 20,000 वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर एस. बट नो एंट्री वॉज पास्ड. एक बिल था, डिस्काउंटेड बिल था, डिसऑनर हो रहा है, उसकी कोई जर्नल एंट्री आपने पास करी ही नहीं. तो सुनिएगा, एक्चुअली डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है, उसकी जर्नल एंट्री पास होनी क्या चाहिए. वर्किंग नो टाइम प्रिपेयरिंग. जर्नल एंट्री फॉर डिसऑनर, है ना, ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल. पूरा सीक्वेंस समझ लेते हैं हम. मैं पहले भी एक पर्टिकुलर वीडियो में ये बता चुका हूं, और 11th स्टैंडर्ड के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आपने पढ़ा होगा तब ये जर्नल एंट्री बिल्कुल से देखी होगी. हम शुरू से समझते हैं. देखिए, जब बिल सबसे पहले क्रेडिट सेल हुई होगी तब एंट्री डली होगी डेटर टू सेल्स. उसके बाद अगर पैसा आ जाता तो एंट्री डल जाती कैश या बैंक अकाउंट या टू डेटर्स. पैसा नहीं आया है, यहाँ पे बिल आ गया है, तो एंट्री डली बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स. फिर हमने बिल को डिस्काउंट करा लिया तो उसकी एंट्री डली है बैंक डिस्काउंट टू डेटर्स. ये एंट्रीज का फ्लो चल रहा है. इसके बाद जब ये एंट्रीज इसके बाद जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तब हमारे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे, तो हम बैंक को फिर से क्रेडिट कर देंगे टू बैंक. जब हमने यहाँ पहले डेबिट किया था, अब वापस क्रेडिट कर देंगे. और डेबिट किसे करेंगे, ये जो डेटर शुरू में डेबिट था क्रेडिट होके क्लोज हुआ, अब इसको टू यहाँ पे टू
बिल्स आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल, ये डेटर्स को फिर से हम डेबिट बैलेंस कर देंगे, तो जो डिसऑनर की एंट्री डलेगी वो डलेगी डेटर्स टू बैंक। तो डिसऑनर की जो हमें एंट्री बेसिकली पास करनी है, दैट इज डेटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, एंड द अमाउंट ऑफ दैट एंट्री वुड बी 20,000 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो अब क्या हो गया, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट के अंदर हमें डेटर्स दे रखे हैं, ये जो डेटर्स हैं इसमें प्लस हो जाएगा 20,000, क्योंकि बिल डिसऑनर हो चुका है। अब डेटर मैंने वापस 20,000 से इंक्रीज कर दिए। आगे हमें कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 5% ऑन डेटर्स। ऑन व्हाट अमाउंट ऑफ डेटर्स नाउ? द डेटर्स आर 1,20,000, तो 120 पे बनाया जाएगा। चलिए इसका एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं हम। ओल्ड डेटर्स जो थे हमारे वो 1,00,000 रुपीज के थे, इसमें ऐड कर दूंगा बिल डिसऑनर की वजह से रिक्रिएट हुए डेटर्स 20,000 के, न्यू डेटर्स जो हैं वो 1,20,000 के हैं। अब हमें इसमें क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट किया जाएगा नए डेटर बैलेंस पे 1,20,000 पे, जो भी रेट क्वेश्चन ने कही हो उसने अमाउंट पर 5% से। तो नया प्रोविजन जो रिक्वायर्ड होगा वो 1,20,000 पे 10%, 12,000, 12,000 का आधा 6,000, ठीक है। एग्जिस्टिंग पीबीडीडी पड़ा है हमारे पास, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हमने मार्क लगाया था उस पे, एग्जिस्टिंग 2,000 का है, रिक्वायर्ड 6,000 का है, तो क्रिएशन करना पड़ेगा हमें नए का 4,000 का, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्रिएट हो जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग पीबीडीडी 6,000 से ज्यादा होता, से 7,000 का होता, तो 1,000 का रिड्यूस कर दिया जाता, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में ले लिया जाता, पर ऐसा है नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसके बाद स्टॉक को डिप्रिशिएट करना है, लेन को, लैंड को अप्रिशिएट करना है, अक्रूड कमीशन है, अक्रूड माने अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अक्रूड इनकम। और इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को कहा है, तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले चलकर देखते हैं हमें क्या करना है। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज पीबीडीडी ओनली, तो ये क्रिएट कर लेते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 4,000 रुपये का क्रिएट करना है। बैड डेट्स जो जो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ वो ना तो नुकसान है ना फायदा, उसका कोई रिवैल्यूएशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। डेटर्स मुझे 20,000 से बढ़ा देने हैं और बैंक बैलेंस 20,000 से कम कर देना है, वो मुझे बात याद रखनी है, क्योंकि ये जर्नल एंट्री पास हुई है, इस जर्नल एंट्री का बैलेंस शीट इंपैक्ट जरूर जाएगा। डेटर्स 20 से इंक्रीज हो जाएंगे, बैंक बैलेंस 20 से रिड्यूस हो जाएगा। आगे देखिएगा और क्या बोला हुआ है। आगे बोला हुआ है दोस्तों कि स्टॉक को डिप्रिशिएट करना है 5% से, तो मैं कर देता हूँ। टू स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर जो स्टॉक का बैलेंस है वो 40,000 का, 40,000 का 5% वुड बी 2,000। देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। लैंड टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो लैंड को अप्रिशिएट कर देता हूं। बाय लैंड इट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, लैंड का ऑलरेडी बैलेंस है 62 का, 62 का लैंड 10% से अप्रिशिएट होगा, 6,200 का क्रेडिट हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्या बोला हुआ है। अक्रूड कमीशन है 1,000 का दोस्तों, तो वो भी इधर क्रेडिट हो जाएगा बाय अक्रूड कमीशन, एसेट होता है।
अक्रूड कमीशन है 1,000 रुपीज का, ये इधर क्रेडिट हो जाएगा। 7,200 का क्रेडिट है, 6,000 का डेबिट है, रिवैल्यूएशन का गेन आएगा और वो भेज दिया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1,200 इज दी बैलेंसिंग फिगर, राइट? और ये पुराने पार्टनर्स के बीच में उनके पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए अब प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स आर पी क्यू एंड एस। ओपनिंग बैलेंस आएगा सबसे पहले, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट के अंदर चलकर देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है, 120 एंड 1 लाख। ये मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। एस में कुछ भी नहीं आएगा। अब बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी चीजें हैं, रिजर्व्स वगैरह हैं, ट्रांसफर करने हैं, उनका एडजस्टमेंट पहले कर लेता हूँ। तो बैलेंस शीट के अंदर दोस्तों जनरल रिजर्व है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ बाय जनरल रिजर्व। दिस वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी ओल्ड रेशियो विच हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस एज 7:5। 7 + 5 = 12 होता है दोस्तों। सो 12 4 = 48,000 एंड 5 4 = 20,000। तो 20,000 क्यू में आ जाएगा एंड 28,000 जो जनरल रिजर्व का है वो चला जाएगा पी में। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया बैलेंस शीट के अंदर, और कोई लाइबिलिटी साइड में रिजर्व नहीं है, और एसेट साइड के अंदर किसी भी तरह का कोई अक्यूमुलेटेड लॉस या एग्जिस्टिंग गुडविल भी नहीं है। तो इसके बाद मैं नए पार्टनर के एडमिशन की एंट्री पास कर देता हूँ, नए पार्टनर के एडमिशन या फिर रीवैल्यूएशन कर देता हूँ। चलिए बाय रीवैल्यूएशन। 1200 का गेन हुआ है तो 7:5 वेरी कन्वीनियंट। 700 एंड 500 जो है वो रिवैल्यूएशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा गेन का। नया पार्टनर अपनी कैपिटल कैश में नहीं ला रहा, बल्कि उनका जो लोन का बैलेंस है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एंट्री डल जाएगी बाय एस एस लोन। मैंने जब ऊपर बैलेंस शीट जब आपको क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी एंट्री बताई थी, एस एस लोन अकाउंट डियर टू एस एस कैपिटल। तो एस एस की कैपिटल में आ जाएगा उनका लोन, जो उनके कैपिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है 80,000 रुपीज का। ये हो गई इनकी कैपिटल। ये कैश बैलेंस को इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि कैश में ये लाया नहीं गया है, पैसा पहले से ही पड़ा है कैश के अंदर, राइट? इसका लोन हो गया। इसके बाद प्रीमियम अमाउंट जो है वो ये कैश में लेकर आएंगे। क्वेश्चन में कहा हुआ है गुडविल 90 की है, तो इनका शेयर निकाल लेते हैं एक बार। 90,000 की फर्म की गुडविल है, इसका 1/4 इन्हें लाना पड़ेगा, तो इसकी प्रीमियम हो जाएगी 45 का आधा, 22,500। ठीक बात है। और 22,500 अब 22,500 में से क्योंकि यहाँ पर केस वन है, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 7:5 और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है 1/4, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रीमियम का वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो 7:5, क्योंकि ओल्ड रेशियो केस वन के अंदर ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइजिंग रेशियो न्यू रेशियो सेम होते हैं। तो यहाँ पर प्रीमियम का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूँ। प्रीमियम क्वेश्चन में कहा है कि ये कैश में लेकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं बोला है कि कैश में लेकर नहीं आ रहे। एक सेकंड पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। एस ब्रॉट हिज गुडविल प्रीमियम इन कैश, वेरी वेल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रीमियम। और ये जो 22,500 की प्रीमियम है ये दोनों पार्टनर्स के बीच में 7:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो पी का शेयर बनेगा 13,125 और क्यू का शेयर बनेगा 9,375। प्रीमियम कैश में आई है इसलिए मैंने बाय प्रीमियम लिखा है। प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया, रिवैल्यूएशन भी हो गया और ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया।
अब इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा दोस्तों, और कोई एडजस्टमेंट बाकी है नहीं। टू बैलेंस टू बी कैरी डाउन, कोई गुडविल का नहीं है, प्रीमियम कैश में नहीं आई होती तो डेबिट में कैपिटल अकाउंट भी जाता एस का, पर वैसा नहीं करना है हमें। टोटल अप करके बताता हूँ कितना बैलेंस आ रहा है। वन लैख 61,825 का, वन लैख 29,875 आ रहा है फॉर क्यू। एनएस में तो कोई चेंज है ही नहीं तो उधर 80,000 का आ जाएगा। तो ये हमारे कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब हमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, वो हम फटाफट से कर देते हैं। आफ्टर एडमिशन चलिए ऊपर चल के ओरिजिनल बैलेंस शीट को रेफर करते हुए, बैंक बैलेंस 20,000 का। याद रखिएगा बैंक में से 20,000 कम हो रहे हैं क्योंकि डेटर्स का बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो रहा था इस जर्नल एंट्री, यानी बैंक से 20 रिड्यूस कर दूंगा। पर जो प्रीमियम का बैलेंस आ रहा है 22,500, उससे बैंक बैलेंस फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो 20 का बैलेंस पहले से था, 20 डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का रिड्यूस हो जाएगा और 22,500 फिर से ऐड हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस 22,500 का आएगा। आई होप आपको बैंक बैलेंस का कैलकुलेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैंक बैलेंस मैंने लिख दिया, बैंक बैलेंस के बाद डेटर्स, डेटर्स में हमारा 20,000 प्लस होगा और फिर प्रोविजन जो है वो भी क्रिएट होगा, तो वो मैं लिख देता हूँ। डेटर्स आएंगे 1,20,000 के, इनर कॉलम में लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो नया क्रिएट करना है वो है 6,000 का, पहले से पड़ा था जो, उसको एडजस्ट करते हुए हमने एक्स्ट्रा क्रिएट करके अब उसे 6,000 पर ले आए, तो 1,14,000 डेटर्स आ जाएंगे आउटर कॉलम में जी। इसके बाद हम आते हैं डेटर्स के बाद हम आते हैं बिल्स रिसीवेबल पर। बिल्स रिसीवेबल 38,000 के 38 ही रहेंगे, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं आएगा। जो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ था उसकी एंट्री में बिल्स रिसीवेबल कहीं पे भी नहीं आ रहा है, एंट्री है डेटर्स टू बैंक, बिल्स रिसीवेबल कहीं पे भी नहीं आ रहा है, उस बिल की अब कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको बिल के नाम पे एसेट लिखना फेयर नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल मैंने लिख दिया दोस्तों। इसके बाद आता है स्टॉक, स्टॉक 40,000 का है, स्टॉक डिप्रिशिएट करना है 5% से, 2,000 से कम करना है, तो 38,000 पे स्टॉक आ जाएगा। यस, स्टॉक के बाद है बिल्डिंग 2,00,000, बिल्डिंग में चेंज है क्या? कोई बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, तो बिल्डिंग अपनी पुरानी वैल्यू पे ही आ जाएगी। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 2,00,000 एंड इट विल स्टिल बी वैल्यूड एट 2,00,000 ओनली, बिल्डिंग भी आ गई। बिल्डिंग के बाद आते हैं दोस्तों एसेट लैंड पर, लैंड 62 का है, 6,200 से इंक्रीज करना है उसको, तो 68,200 पर आ जाएगी वो। कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट है क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट में? अक्रूड कमीशन है तो इसको मैं लिख दूंगा 1,000 का अक्रूड कमीशन। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अनरिकॉर्डेड एसेट था अक्रूड कमीशन का, ठीक बात है। चलिए लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। लाइबिलिटी साइड के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट 70,000 की है, वैसी की वैसी रहने देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट इज वर्थ 70,000, वो उसको मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स 40, इनमें भी कोई चेंज नहीं है।
क्रेडिटर्स के बाद माय डियर फ्रेंड्स इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो मैंने डेटर्स में से लेस करके बताया, जनरल रिजर्व मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एस का लोन की कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ रही है क्या रिवॉल्यूशन अकाउंट से, नो, तो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखना है और फिर ये बैलेंस शीट टैली हो जानी चाहिए। कैपिटल अकाउंट पी क्यू एन एस, चलिए देखते हैं। पी का बैलेंस है 1,61,825, क्यू का बैलेंस है 129,875 और एस का बैलेंस है 80,000 का। थ्री लैख सेवेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर बैलेंस शीट टैली हो रही है। अगर आप पीबीडीडी को लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे तो बैलेंस शीट 6,000 से बढ़ जाएगी, तो 487,700 पे आ जाएगी। आई विल टैली अप द एसेट साइड एंड लेट यू नो। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ये बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन प्रिपेयर हो चुकी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर एक तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का ट्रीटमेंट अच्छा था, और एक छोटा सा ट्रीटमेंट था कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पहले से लोन प्रोवाइड कर रखा है उन्होंने, तो अपने लोन बैलेंस को अपने कैपिटल बैलेंस पे कन्वर्ट करें। आई डोंट थिंक उसमें कुछ ऐसा नया था। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइबर बने रहिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो। अगली क्लास तक के लिए बाय दोस्तों। आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया निकले यही मैं विश करता हूँ।